देखिए दूसरे दिन की क्रिकेट के बाद भारत और बांग्लादेश में फर्क आपको वाजा नजर आ रहा होगा। 149 पे ऑल आउट हो गए बांग्लादेश के बल्लेबाज पूरी टीम, जबकि भारत ने 376 कर दिया। हालांकि भारत ऐसा लग रहा था एक वक्त में कि 149 में बाजी लुढ़क जाएगी, मगर जो ऑलमोस्ट 200 रन की पार्टनरशिप लगी अश्विन और जडेजा की दरमियान, उससे पता चलता है कि भारत अब ये पुरानी भारत वाली टीम नहीं है। इसमें एक नया जज्बा है और आप वहां से परफॉर्मेंस लेते हैं प्लेस से जहां से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि जडेजा और अश्विन का पहला मकसद तो बॉलिंग का है ना, मगर इस तरह से प्रेशर में आके इतनी समझदारी के साथ और एग्रेशन के साथ और क्वालिटी के साथ इतनी लंबी पार्टनरशिप एक टफ पिच के ऊपर जहां पे आपका टॉप ऑर्डर हिल गया हो, बहुत बड़ी ये पार्टनरशिप और परफॉर्मेंस थी। क्योंकि भारत को घर में हराना एक तरह से नामुमकिन सा टास्क हो गया है, और जहां भी हल्के फुल्के चोट लगते हैं भारत को, उसके बाद ये टीम संभलती है और सीखती है और जल्दी से ट्रैक पे आ जाते हैं। आई थिंक जो सबकॉन्टिनेंट में सारी टीम्स को सीखना है भारत से खासतौर पे, वो यही है कि आपका अगर एक बुरा सेशन होता है तो दैट डजंट मीन द एंड ऑफ द लाइफ, उसके बाद आप दोबारा से अपने आप को खड़ा कर सकते हैं और ट्रैक पे दोबारा आ सकते हैं। सो और फिर वही बात है कि अगर रोल्स डिफाइंड है, क्लैरिटी है, ड्रेसिंग रूम एनवायरमेंट में गलतियां की गुंजाइश होती है और उससे सीख के फिर आगे आप अपनी गलतियां सुधारते हैं और प्रेशर नहीं होता है और एक तरह से रिदम बना हुआ है, कॉम्बिनेशन बना हुआ है, तो फिर ऐसी परफॉर्मेंस मिलती है। 6 विकेटें गिर गई थी आपको याद होगा भारत की पहली इनिंग्स में जल्दी से, और उसके बाद 200 रन की ऑलमोस्ट पार्टनरशिप थी अश्विन और जडेजा में। तो ये कैसे हुआ? ये इसीलिए हुआ कि एक तो सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से टैलेंट को समझना, उनको किस तरह से ड्राफ्ट करना है, किस तरह से बैक करना है कंडीशंस को देख के, और उनकी एहलियत क्या है, और फिर इन दोनों इंडिविजुअल्स को भी बहुत दाद देनी पड़ेगी क्योंकि इनका जो पहली चीज जो इनको करनी है टेस्ट क्रिकेट में वो बॉलिंग है, मगर जो इन्होंने लाजवाब बैटिंग की उसी की बदौलत इस वक्त ये सिचुएशन है कि इतना डिफरेंस डाल चुकी है भारत बांग्लादेश से। और बांग्लादेश वही बात है कि कोशिश इनको बहुत करनी है कि ये जो पाकिस्तान की सीरीज थी ये फ्लैश इन द पैन नहीं था, ये कोई तुक्के से नहीं जीते हैं, इनको बार बार रिमाइंड कराना पड़ेगा भारत को भी और दुनिया की दूसरी कुवतों को भी क्रिकेट के मैदान में कि हमें आप रिकग्नाइज करें, हमें रिस्पेक्ट करें। और वो इसी तरह से होगा जब आप दोनों चीजें जो है वो ठीक करेंगे। ये नहीं हो सकता कि 2 घंटे आपके ठीक हो और उसके बाद बाजी लुढ़क जाए, और कुछ मुझे ऐसे ही लग रहा है क्योंकि पहले दिन में ही जिस तरह से कमबैक किया भारत ने, पता ये चल रहा था कि बांग्लादेश के लिए ये मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा और अब सूरत हाल बड़ी टफ हो गई है। हालांकि 3 विकेट्स खो दी है भारत ने दूसरी इनिंग्स में, मगर बहुत बड़ी चौड़ी लीड है। हालांकि कंडीशंस भी अब माइल्ड हो गई हैं, ये पिच में उस तरह की तेजी नहीं है जैसे कि पहले दिन में थी खासतौर पर फास्ट बॉलर्स के लिए, मगर फिर भी जो डैमेज किया भारत ने वो फास्ट बॉलर्स के थ्रू किया। बुमराह की लाजवाब बॉलिंग है, इसी तरह से सिराज जो है उनके पास पेस है, आकाशदीप जो है अभी नए खिलाड़ी हैं मगर टाइमली ब्लोज उन्होंने की, और एक ओवरऑल कॉम्बिनेशन है। जडेजा ने 2 आके बहुत ही मास्टर स्ट्रोक खेले क्योंकि शाकिब अच्छा खेल रहे थे, उनकी विकेट लिए, ऊट पटांग शॉट मारने की उसे जरूरत नहीं थी क्योंकि विकेट गिरी थी, पार्टनरशिप तोड़ी थी जडेजा ने, और उसके बाद सिर्फ शाकिब को 2-4 ओवर्स डिसेंट तरह से खेलने थे और एक पार्टनरशिप और लगानी थी। बट यही बात है कि कभी अप कभी डाउन, और ये ऐसी टीम्स जो हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान मैं समझता हूँ टेस्ट क्रिकेट में कुछ यही हालात हैं कि एक सेशन अच्छा और 3 खराब और उसके बाद मैच का जो प्रेशर आप बनाते हैं वो आप रिलीज कर देते हैं। सो अब मैच बचाना है बांग्लादेश ने, और ये कभी भी आसान फीलिंग नहीं होती है क्योंकि जब आप डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड में धकेल दिए जाते हैं और तो फिर आप जो है ना मुकाबले से ऑलमोस्ट बाहर ही हो जाते हैं क्योंकि ये सिचुएशन ही ऐसी हो गई हुई है। चाहे ये कंडीशंस बेहतर हो जाए बैटिंग के लिए, मगर फिर भारत के पास जडेजा और अश्विन का बॉलिंग कॉम्बिनेशन है क्योंकि ये अगर पिच टर्न लेती है, स्पिन लेती है, तो उनके पास भी उसका तोड़ है भारत के पास, और फिर रिवर्स स्विंग भी है और बुमराह की जो फॉर्म है, सो ये मैच बचाना बड़ा मुश्किल हो गया। कोहली मतलब नॉट आउट थे, प्लेड हुए, उसके बाद उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, वापस चले गए, और ऐसा होता है जब फॉर्म ना लगी हो, जब आप अपने आप से ज्यादा शायद एक्सपेक्ट भी ना कर रहे हो, जब आप समझते हो कि यू नो इसमें कोई फायदा नहीं है कि मैं यू नो अपनी किस्मत से लड़ूं या मैं खामखा से लड़ाई शुरू कर दूं अपने आप से, सो
ऐसी सिचुएशन पे रोज आती है कि नॉट आउट पे भी विराट कोहली जो है वो खुद से बाहर चले जाते हैं. सो ऑक्यूपाई द क्रीज बेहतरीन मंत्र है इनके लिए. बट वही बात है कि प्रेशर नहीं है अब भारत के पास के ऊपर, इसलिए कि चाहे ऑल आउट भी हो जाए मेरे ख्याल से अगले कोई 30-40 रन में, फिर भी बहुत स्कोर है ये बांग्लादेश के लिए. सो बांग्लादेश को फाइट करनी है. बॉलिंग अच्छी इंप्रेसिव की है बांग्लादेश ने, मगर एक पार्ट अच्छा है तो दूसरा पार्ट खराब है. इस तरह से आप अच्छी टीम के खिलाफ, एक चैंपियन टीम के खिलाफ मैचेस नहीं जीत सकते हैं. सो भारत ने फिर से दिखाया कि वो क्यों इतनी बड़ी टीम है, क्योंकि कॉम्बिनेशन सॉलिड है, परफॉर्मेंसेस सॉलिड है. बुमराह के पास यॉर्कर भी है, बुमराह के पास स्विंग और सीम भी है, और सबसे एक खास बात जो थी वो स्लिप कैचिंग बहुत अच्छी थी भारत की, क्योंकि दो एक टफ कैच भी थे. खैर स्लिप में कोई भी कैच सिंपल नहीं होता है, टफ होता है, मगर केएल राहुल का कैच जो था मुश्फिक का वो लाजवाब था, क्योंकि वो मूवमेंट के साथ उनको भी एडजस्ट करना पड़ा. तो बहुत ही अच्छी कैचिंग और प्रेशर रखा और रिलैक्स रहे. ये नहीं था कि कोई डेस्परेट सिचुएशन थी, रिलैक्स एक परफॉर्मेंस देखी है. और यही भारत की एक एक बहुत बड़ी बात सामने आती है रोहित शर्मा की कप्तानी के नीचे, क्योंकि रोहित भी रिलैक्स्ड हैं और भारतीय प्लेयर्स भी रिलैक्स्ड हैं, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं और रिजल्ट्स देख लें आपके सामने हैं. सो ये किसी भी यंगस्टर के लिए सीखने की बात है कि आप जिस वजह से क्रिकेट खेलते हैं वो मत भूलें, और आप क्रिकेट या हम सब क्रिकेट इसलिए खेले हैं कि हमें इससे प्यार है, मोहब्बत है, हम इसको एंजॉय करते हैं स्पोर्ट को. अगर एंजॉयमेंट फैक्टर जो है वो बदल के एक बोझ हो जाएगा तो फिर आपसे परफॉर्मेंसेस भी नहीं होंगी. सो ये रिलैक्स भारत की टीम है और एक आउटस्टैंडिंग टीम.